हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पी वी आर स्टडी। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की एन सी आर टी मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चों, आपका 5.1 चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन 1, 2 और 3, ये तीन क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, जल्दी ध्यान से देखिए। कह रहा कि नीचे दिए गए जो सारणी हैं, इनमें कौन कौन एपी में है, और अगर एपी में है तो इनका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस भी बताइए। अब ये एपी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं इसके पहले, ज़रूरत है नहीं इसमें बताने की। फिलहाल थोड़ा बता देते हैं कि अगर कोई सीरीज बन रही है तो वो एपी है, नहीं बन रही तो नहीं है। देखते हैं इसमें क्या है, ये एपी है कि नहीं है। अगर इसका सर्वांतर बराबर आता है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। सर्वांतर के लिए क्या करते हैं, दो पद आपस में घटाते हैं, इनको अगर इसमें से घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2 में 2 जोड़ने पर 4 आया है। और अगर हम 4 और 8 का कंपेयर करें तो बेटा इसमें 4 जोड़ने पर ही 8 आया, और अगर अगला वाला पद में चलें तो इसमें 8 में 8 जोड़ने पर 16 आया है। यानी जो इसके सर्वांतर हैं, यहाँ पर 2 है, 4 है, फिर 8 है, दोनों सर्वांतर सब अलग अलग आ रहे हैं, कहीं भी सर्वांतर बराबर नहीं है, है ना। तो ये एपी नहीं है, लेकिन इसे सिस्टम से कैसे लगाएंगे, ये तो मैंने एक प्रकार से ओरल लगा लिया, हाँ, इसे सिस्टमेटिक कैसे लगाएंगे वो चीज़ यहाँ पे देखो यहाँ पे समझो। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वांतर, नहीं तो श्रेणी दी गई है, थोड़ा और सुंदर सा लिख लेते हैं, जाने दो, लिखो यहाँ पे हल। हाँ, प्रथम पद ए बराबर, जहाँ से श्रेणी शुरू है ये प्रथम पद है, सर्वांतर निकालेंगे, सिस्टम से ही कर लेते हैं, सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, ए टू माइनस ए मतलब दूसरा पद से पहला पद घटाना है तो 4 है माइनस 2 बराबर कितना आया, 2 आया। अब एक है सर्वांतर में सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कम होने का चांस है, और हम एक से अधिक सर्वांतर निकालेंगे तभी यहाँ पर फाइनल कुछ करेंगे कि ये ए पी है या नहीं है। तो एक तो हो गया, दूसरे पे आओ, सर्वांतर फिर से निकालो। भाई हमने क्या किया, दूसरा पद से पहला पद घटाया था, अब तीसरा पद से दूसरा पद घटा लो, तीसरा पद 8 है, दूसरा पद 4 है, बराबर क्या आया, 4 आया। यानी सर्वांतर अलग अलग आ रहा है, यानी ये क्या है, ए पी नहीं है। इतना करने के बाद आपकी कॉपी में नीचे जगह होगी तो आप नीचे ही लिख लेना, क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, चूँकि सर्वांतर डी ब्रेकेट में लिख लेना बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर नहीं है। ठीक है, ये मैं सब में नहीं लिखवाऊंगा, एक में लिखवा दे रहा हूँ पहले में। तो ये आपका फर्स्ट क्लियर हो गया। इसके सेकंड पार्ट्स भी हैं, थर्ड पार्ट भी हैं, कई पार्ट हैं, बहुत जल्दी इन्हें आप लिख लो, उसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी करिए, आज मैंने बहुत नए तरीके से इनको रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, चलो जल्दी, चलो फटाफट बोलो और फिर हम लोग आगे बढ़ें, चलो। ओके गुड, देखो यहाँ पे समझो, अगला नेक्स्ट, इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई, देखो आपके सामने ही मिटाऊंगा, सामने ही लिखूंगा, यू डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हाँ, ठीक है, ओके, तो सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ बेटा। हाँ, चलो देखो यहाँ से समझो, मार्कर पेन कहाँ गई मेरी, वहाँ भाग गई, एक सेकंड। देखो सेकंड वाला पार्ट देखो क्या कह रहा है, 2, 5/2, 3,
7/2। ध्यान दीजिए और इसमें बताइए, कोशिश करिए क्या है कैसे है, ध्यान दीजिए और बताइए मुझे। चलिए देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले हल लिखोगे और आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रथम पद लिखोगे। ठीक है, तो प्रथम पद a बराबर क्या दिया है बाबू, 2 दिया है। उसके बाद आप सर्वांतर निकालोगे, क्या निकालोगे, सर्वांतर d निकालोगे। हाँ, अब देखो समझो, d कैसे निकालोगे, आप a2 से a घटाओगे, a2 माइनस a, a2 क्या है 5/2 है माइनस 2। ओके, अब इसे क्या किया मैंने, 1 कर दिया। भाई सीधी सी बात है, आप ऐसे जान लो 5/2 का मतलब है ढाई, ढाई से 2 घटाओगे आधा आएगा, मतलब 1/2 आएगा। तिरछा गुणा करोगे तो आपका 1 × 5 2×2 4, भिन्न हल करना जानते हो, इतने बच्चे हो नहीं, फाइनल में 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। ठीक है, 1/2। देखो ध्यान से इसको, इतना लिख लो फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो आगे बढ़ें, ये हो गया। देखो एक ही सर्वांतर निकालने के बाद में यहाँ पे कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा है। अभी क्या कह रहा है कि एपी है या नहीं है, कोई चोर है या बेईमान है, ये आप ऐसे नहीं कह सकते बिना किसी 2-3 कारण के। हाँ, कई जगह पहले उसे ट्राई किया जाता है, कुछ एविडेंस ढूंढे जाते हैं तब कह सकते हैं ना। तो ये एक ही सर्वांतर पर हम कुछ नहीं कह सकते कि एपी है कि नहीं है, एक से अधिक निकालेंगे। नीचे यहाँ पर और आगे मैं लिख सकता हूँ क्या, हाँ नीचे तो काफ़ी जगह यार, तब तो मैं एक और भी लिख सकता हूँ अभी। ठीक है देखो समझो, यहाँ आगे समझो, सर्वांतर एक और भी हम निकाल सकते हैं, सर्वांतर डी। देखो ए टू से हमने ए घटाया था, ए थ्री से हम ए टू घटा सकते हैं। हाँ, ए थ्री से ए टू घटा सकते हैं, तो ए थ्री मतलब तीसरा पद से आपको दूसरा पद घटाना है। ठीक है, तो भाई कर लो, नीचे जगह है, तीसरा पद आपका क्या है 3 है, माइनस आपका ये 5/2 है। यानी आप ये कह सकते हो इसमें फाइनल में कि आपका 3 से 2.5 घटाना है। भाई 3 से 2.5 घटाओगे, वैसे भी आधा आएगा, तो ये भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। हमने क्या किया, 2 जगह सर्वांतर निकाला, दोनों जगह क्या आया, बराबर आया। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि ये क्या है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, हो गया। सर्वांतर ज्ञात करना था, सर्वांतर ये ले लो, प्रथम पद हो गया, ये सर्वांतर हो गया, बस यही आंसर भी हो गया। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है। इसका थर्ड पार्ट, चलो अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, जितने भी पार्ट्स इसमें करवाए जा रहे हैं तुम्हें हर एक पार्ट करना होगा बेटा, तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। अभी इसमें और भी क्या कह रहा था कि ये एपी में है या नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, पहले तो ये बताना है। और ये बताने के बाद आपको अगर ये एपी है तो इनके नेक्स्ट 3 टर्म्स और भी निकालने हैं, मतलब 3 पद और बताना है। तो भैया पहला स्टेप तो मैंने कर लिया था, ये दूसरा तो मैंने शक के आधार पे निकाला था, इसे मिटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी हमारा पहला आंसर हो गया सर्वांतर 1/2, एंड देन वी फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो अब इसको तो इतना मैं मिटा दे रहा हूँ, ये मतलब आधा पार्ट हो गया, इसके आधे में आप लोग आगे लिखो। अगले 3 पद इस प्रकार हैं, अगले 3 पद इस प्रकार हैं, कैसे देखो यहाँ से समझो। पहला पद हेडिंग लिखो चुपचाप, अच्छे से लिखो, अगले 3 पद, 3 पद। तो देखो भैया पहला पद क्या होगा, कह रहा था ये जहाँ तक दिया है उसके आगे के अगले 3 पद लिखिए, समझ रहे हो ना। चाचा लोग देखो, तो ये 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है, तो ये 7/2 में सर्वांतर ऐड करेंगे 1/2, यानी 3.5 में आधा जोड़ोगे बच्चा तो 4 हो जाएगा, तो ये फाइनल में हो जाएगा 4 ही आएगा। लेकिन मैं इसको लिखूंगा इसी की भाषा में, तो ये देखो हर हर बराबर है, अंश अंश जुड़ जाएगा, तो ये 8/2 आएगा।
बस मैं ऐसे ही रहने दूंगा। दूसरा पद, जैसे कहते हैं ना, पंडित को दक्षिणा से काम, भर मरे चाहे कन्या, तो हमें इसको पूरा करने से मतलब है। ये आगे तुम हल करो या ना करो, तुम्हारा मतलब इस पे छोड़ दोगे तब भी नंबर पूरा मिलेगा। टेंशन मत लेना कि हम ऐसे बेगारी कर रहे हैं, नहीं, उतने पे ही छोड़ देना है। तो अब ये तो हो गया आपका, इसके आगे का अगला पद, यहाँ पे छोटा फल लिख लो 8/2, इसके आगे का क्या होगा भाई? इसी में जोड़ेंगे, हाँ, आने वाली पीढ़ी इन्हीं के आधार पे चलेगी, इसमें 1/2 जोड़ेंगे। देखो, अगर इसको हम 4 लिख लिए होते तो यहाँ जोड़ने में मुसीबत आती, इसलिए मैंने इसको क्या किया, 4 नहीं लिखा, जैसे था वैसे छोड़ दिया। अब इसको यहाँ पे जोड़ना आसान है, ये 9/2 हो जाएगा, क्योंकि हर हर जुड़ जाएगा, अंश वैसे ही रह जाएगा। खोपड़ी उल्टी चल रही है, अंश जुड़ जाता, हर वैसे रह जाता है, तो ये 9/2 हो गया। नीचे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो गरियाना मत, मैं अभी कैमरा नीचे ऊपर कर दूंगा, सब्र बनाए रखो। ये 9/2, इसमें भी 1/2 ऐड करेंगे, ये 10/2 हो जाएगा। तो ये इनके आगे के 3 पद हो गए, पहले चाचा ये हो गए, दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, इन्हीं के आगे लिख लो। लो, 3 पद और भी लिखने को बोल रहा था भैया, लिख दिया, चलो, क्यों, सही है कि नहीं? हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 2 था, फिर 5/2 था, फिर 3 था, फिर आपने जो लिखा इसमें तो कोई पूर्ण नंबर आ ही नहीं रहा, सब भिन्न भिन्न में लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 8/2 को तुम 4 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4, इसमें कोई बुराई नहीं है। 5/2 को तुम 10/2 को तुम 5 लिख सकते हो। तो ये देखो, इनकी शक्ल वैसे बन गई ना, एक पूर्ण संख्या, फिर एक अपूर्ण संख्या, फिर एक पूर्ण, एक अपूर्ण, एक पूर्ण और एक अपूर्ण, ऐसे ये इनकी कहानी होती चली जाएगी। तो ये आपका ये भी पार्ट हो गया, लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, जुबान लुड़बुड़ा रही थोड़ा थोड़ा, चलो मिटा दें, इतना हो गया क्लियर। आज का जो ये वीडियो होगा, जो ये सेशन होगा, बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि आज कुछ अलग नए तरीके से सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये कैमरे से मेरा जीव उग गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इतना अच्छा सा फ़ोन लिया था मैंने, काफ़ी जुगाड़ करके आज इसका उपयोग कर लेते हैं। तो 2 पद हो गए बच्चा, इसमें कुल 16 पद हैं, मैंने 2 करवाया, अभी तीसरा देख लो। तीसरा चौथा होमवर्क रहेगा, नहीं बताऊंगा। थर्ड और फोर्थ होमवर्क कर लेना, जिसमें -1.2 और -3.2, -5.2, -7.2 .. है, इसको कर लेना। फोर वाला भी बहुत इजी है, हाँ, फाइव वाले में थोड़ी सी धड़कन रुकने की संभावना है, तो मैं फाइव वाला करवा देता हूँ, देख लो कैसे है। ये 3 है, फिर 3+√2 है, ये अंडर रूट का लफड़ा नहीं समझ में आता, मुझे भी बचपन से नहीं आया, लेकिन अब मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए समझता हूँ। चलो 3+3√2, फिर ये .. ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कोई चोर है या नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आपको उसकी जाँच करनी पड़ेगी कई आधार पर, ना? तो ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसके लिए इसका पहले हम सर्वांतर निकालेंगे, और सर्वांतर अगर सब बराबर आता है तो है, अन्यथा नहीं है। देखो, समझो यहाँ से, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर क्या है, 3 है। सर्वांतर निकाल लो भैया, सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या हो जाएगा। देखो, ये 3 है, ये क्या है, 3+√2 है। अगर हम 3+√2 से माइनस का 3 घटाएंगे, जैसा कि होता है रूल में, इस पद से इस पद को घटाएंगे तो ये कट जाएगा, मतलब फाइनल में √2 आएगा। ये हर जगह ऐसे आएगा, चाहे कोई भी पद किसी में से घटा लो बच्चा, अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तब भी यही आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये 3 से 3 तो कट जाएगा, और भैया वो 2
और अंडर रूट दो से अगर अंडर रूट दो घटाएंगे तो इसका मतलब ये होता है जैसे दो ए से तुम ए घटाओ तो ए आता है, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, समझा ना? ओके लिखो। चलो तो ये कितना आया, सर्वांतर कितना आया, अंडर रूट दो। तो ये दो स्टेप में से कुछ स्टेप तो हो गए। अगला देखो, इसमें कह रहा था, क्या कह रहा था, कह रहा था इनके अगले तीन पद और भी लिखिए। हाँ, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, एपी में है या नहीं है, और इनके तीन और पद लिखिए, इनके तीन और पद लिखिए। ठीक है, लिखो तीन पद, अगले तीन पद। इसमें लिखो प्रथम पद, क्या लिखोगे, प्रथम पद लिखो, प्रथम पद। भैया जहाँ पे ख़त्म हो रहा ज़रा ध्यान से देखो, थ्री प्लस थ्री इंटू अंडर रूट दो ना, यहाँ पे देखो थ्री प्लस टू इंटू अंडर रूट दो, यहाँ पर देखो थ्री प्लस वन इंटू अंडर रूट दो है, क्योंकि वन छिपा है। तो यहाँ पर हमें ये सीधा सीधा मिल रहा है कि इनमें एक एक आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे। चलो ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। इसके आगे यानी तीन प्लस ये तीन अंडर रूट दो, इसमें अंडर रूट दो जुड़ेगा। हम सबको पता है कि जो पद दिया है उसमें क्या करेंगे, सर्वांतर जोड़ते हैं ना, तभी तो अगला पद आता है, श्रेणी का यही तो नियम होता है ना। तो ये कुछ भी पद रहा हो, चौथा पाँचवा जो भी रहा हो, इसमें अंडर रूट दो जोड़ के अगला पद लाएंगे। तो भैया ये तीन इंटू अंडर रूट दो है और ये क्या है, अंडर रूट दो है ना। तो ये फाइनल में जब आपका जुड़ जाएगा तो आप इसे लिख सकते हो थ्री प्लस ये फोर इंटू अंडर रूट दो। ठीक है, ये इसके बाद का एक पद बनेगा। इस तरह से आपका अगला पद भी हो जाएगा, लिख लेना, अब मैं क्यों जोड़ूं बार बार। हाँ सही रहेगा कि नहीं, क्यों भैया सही रहेगा ना बाबू। तो इसका अगला पद, एक पद ये हो गया थ्री प्लस फोर इंटू अंडर रूट दो, अगला हो जाएगा थ्री प्लस फाइव इंटू अंडर रूट दो, अगला हो जाएगा थ्री प्लस सिक्स इंटू अंडर रूट दो। ये तीन और पद हो गए बस, यानी पहला पद और ये सर्वांतर और बाकी के तीन पद मैंने वहाँ निकाल दिया, पहला निकाल के दिखाया था, दोनों ऐसे कर लिया। ठीक है, हो गया ना। किसी को कोई हैरानी परेशानी हो तो बता दो, अगर नहीं है कोई परेशानी तो फिर डोंट वरी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपके सामने क्लियर हो रहा, विजिबल है, क्या कह रहा है ज़रा देखो ध्यान से। ये भी इसी का एक हिस्सा है, ये छठवां पार्ट है, कुल 16 पार्ट हैं इसमें, 16 पार्ट हैं। तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या दिया है, आप ध्यान दीजिए, प्रथम पद ए इक्वल दिया है 0.2 यानी 20 पैसा है। यहाँ से हम सर्वांतर निकालेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। आप सबको पता है कि ए टू माइनस ए या फिर ए थ्री माइनस ए टू होगा। तो दूसरा वाला पद इसमें से यानी 0.22 से हम 0.2 को सबट्रैक करेंगे। सबट्रैक करना हम सबको आता है, ये 22 से 0.2 सबट्रैक करना है, हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं थे, जीरो हो जाएगा। हाँ ऐसे नहीं हो जाएगा, इसमें से जब जीरो घटाएगा तो ये दो आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये यानी फाइनल में हम कह सकते हैं ये 0.02 आएगा। हाँ लेकिन ये एक ही के आधार पे सर्वांतर निकाल के सही कर देना सही नहीं है, अभी इनका हम और भी सर्वांतर निकालेंगे। ये तो मैंने क्या किया, इस दूसरे वाले पद से पहला वाला घटाया, अब चलो तीसरा वाला से घटा के देखते हैं दूसरे वाले को, क्या ये सही है। अगर हर एक स्थिति में यही सर्वांतर आता है तब तो ठीक है, अगर ये बदल रहा है, मुझे लग रहा बदल रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। जैसे देखो 0.222 यहाँ पे पॉइंट और ये 22, इनको सबट्रैक्ट करोगे भाई, इनके नीचे कुछ नहीं है तो ये 2 आएगा और ये 0.0 हो जाएंगे पॉइंट। आप देखो तो यहाँ पर दो अंक पर दशमलव था, यहाँ पर तीन अंक पर है, ऐसे ऐसे ये घटता, मतलब दशमलव का स्पेस बढ़ता जाएगा,
यानी ये बराबर सर्वांतर कभी नहीं आएगा। नीचे आप लिखोगे चूँकि सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः दिया गया ये पद समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके अगले कोई भी पद आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। आपको लिख देना है चूँकि दिया गया जो पद है इनके सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो बच्चा आपका ये 6 नंबर हो गया। इस तरह से आपका 7वां 8वां और 9वां होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। 7, 8 और 9 आपका होमवर्क रहेगा। बहुत आसान आसान नंबर दिए गए हैं। जैसे ही मैं जो रूल बता रहा हूँ ना बाबू, करना ऐसे आपको है, सारे क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं। बस मैं अधिकांश करवा दे रहा हूँ जो थोड़ा सा बड़े लग रहे हैं, लंबे चौड़े। हाँ, 10 वाला मैं करवा रहा हूँ। देखो ये थोड़ा सा खतरनाक है। ए है, 2A है, फिर 3A है, फिर 4A है। इसको मैं करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे समझो, इनमें प्रथम पद क्या दिया है आप ज़रा देखो। प्रथम पद A बराबर, भाई पहला पद A था, A ही है। सर्वांतर निकाल लीजिए, सर्वांतर D यानी कॉमन डिफरेंस। आप 2A से अगर A घटाओगे तो क्या आएगा भाई, 2A से A घटाओगे तो A आएगा, सीधी सी बात है। अगर 3A से 2A घटाओगे तब भी A आएगा, 4A से 3A घटाओगे तब भी A आएगा। यानी हम कह सकते हैं सर्वांतर हर स्थिति में बराबर आएगा, यानी ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब लिखेंगे 3 अतिरिक्त पद। 3 अतिरिक्त पद भाई कह रहा था ना, अगर ये बराबर है तो सर्वांतर बताओ, फिर 3 और भी पद बताओ। तो 3 अतिरिक्त पद में प्रथम पद क्या होगा, ये आपका 4A है, धन इसमें सर्वांतर जोड़ेंगे तो 5A हो जाएगा। इस तरह से आपका सेकेंड पद हो जाएगा, लिख लेना आप लोग द्वितीय पद। भाई हमें द्वितीय पद इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो ये 4 पद दिया है, ये 5वां है, 6वां पद होगा, लेकिन द्वितीय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें 3 अतिरिक्त पद निकालने थे। तो इसी आधार पर 5A में A जोड़ोगे, ये 6A हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाला करोगे तो 6A में आप A जोड़ोगे, ये 7A हो जाएगा। ये आपका हो गया क्लियर। आप इसे लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, इसमें किसी को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। चले फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी को कोई आपत्ति नहीं ना। चलिए तो ये 10 पार्ट आपके हो गए। 11 वाला पार्ट पे आ जाओ भाई साहब, 11 वाला पे आ जाओ बाबू। ये 11 वाला ये क्या कह रहा है देखो, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब और ए का पावर 4 और डॉट डॉट। इसमें देखिए प्रथम पद क्या दिया है, फर्स्ट पद क्या दिया है। प्रथम पद ए बराबर ए दिया है। सर्वांतर अगर आप निकाल के मुझे बता दो तो बहुत अच्छा है। देखो भाई सर्वांतर यहाँ पे निकलेगा नहीं बाबू, क्योंकि ए स्क्वायर से कभी भी ए नहीं घटेगा, ए का क्यूब से कभी भी ए का स्क्वायर नहीं घटेगा। आप जितनी बार भी करोगे ये सर्वांतर बराबर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। चाहे तो एक मैं निकाल देता हूँ दिखाने के लिए, तो ए का स्क्वायर माइनस ए ये पहला हो जाएगा, दूसरा करोगे ए का क्यूब माइनस ए हो जाएगा। नीचे लिखोगे, एक और भी निकाल ही देता हूँ तब लिखूँगा सर्वांतर, एक और निकाल देता हूँ तो ए का 3 माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे लिखो चूँकि सर्वांतर बराबर नहीं है, चूँकि सर्वांतर बराबर नहीं है अतः दिया गया यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, अतः दी गई ये श्रेणी या दिया गया ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी रहे हैं और कोई प्रकार की किसी को आफत नहीं हो रही है, क्यों भाई, ठीक है ना। हाँ, आगे चला जाए। इसमें अभी कितना बचा है आपको पता है, 11 हो गया, 12, 13, 14, 15 भी 4 बचा है, ठीक है। तो अगला नंबर क्या बोलता है इसे भाई, 12 नंबर, ये 12 नंबर भी लिख लो। √2, √8, 18, 32 ऐसे है। चलो
जल्दी जल्दी फटाफट रेडीमेड रहो, लिखते चलो। 12 नंबर पार्ट देखिए, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए इसे कैसे करना है। ये कह रहा है अंडर रूट 2, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 18, कुछ ऐसे ही दिया है ना। इसे हम एक काम करेंगे, अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे 4, भाई 2 चौक 8 हो जाता है ना। और इसी क्रम में हम अंडर रूट 18 को अंडर रूट 9 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, और 32 को हम 16 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो ऐसे हम एक काम करेंगे, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेंगे, और जैसे इसे हम छोटे छोटे पार्ट में अगर तोड़ लिए तो फिर इसे हल करना आसान हो जाएगा। जैसे इधर साइड में आ जाओ सभी एक बार, फिर मैं दिखाता हूँ। चलो आओ, ये अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, 18 को हम अंडर रूट 9 और अंडर रूट 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। ये सॉरी 8 था ना पहले, तो भाई पहले 8 को तोड़ो, 8 को हम रूट 4 और रूट 2 में तोड़ सकते हैं। फिर 18 को हम अंडर रूट 9 और अंडर रूट 2 में तोड़ सकते हैं, और फिर 32 को हम अंडर रूट 16 और अंडर रूट 2 में तोड़ सकते हैं। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो बेहतर होगा। भाई देखो, 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसमें 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 ऐसे ही रहेगा। इसमें 9 का वर्गमूल निकल के 3 हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा। इसमें 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी काम कर सकते हो, हमें क्या करना है, इसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो भाई सीधी सी बात है, प्रथम पद a बराबर अंडर रूट 2 है, जो कि आपको दिख रहा है। सर्वांतर क्या है, अगर आप ध्यान दो, अंडर रूट 3, ये 3 इंटू अंडर रूट 2 से 2 इंटू अंडर रूट 2 घटाओ, या फिर 4 इंटू अंडर रूट 2 से 3 इंटू अंडर रूट 2 घटाओ, हर जगह घटा के देखो तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो सर्वांतर है डी बराबर, वो घटा के देख लो कहीं भी, ऐसे ही घटा लो, बराबर अंडर रूट 2 ही आएगा, चाहे जिसको जिसमें से घटा लो। लेकिन यहाँ ऊपर घटाते तो नहीं आता ऐसे, क्योंकि ये क्या किया गया, सिंपलीफाई किया गया तो यहाँ तक पहुँचा। ये समांतर श्रेणी में भी है। अब इनके अगले जो 3 पद लिखने हैं वो कैसे होंगे पता है आपको, इतना करने के बाद आगे लिखो, इतना करने के बाद आगे लिखो, मैं बता देता हूँ। इनके जो अगले 3 पद हैं वो कैसे लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था ना इनके 3 और पद लिखिए। नीचे आप लिखोगे 3 अतिरिक्त पद, 3 अतिरिक्त पद कैसे, देखो भाई 2 रूट 3 है, नहीं 2 इंटू अंडर रूट 2 है, 3 इंटू अंडर रूट 2 है, 4 इंटू अंडर रूट 2 है, तो सीधी सी बात है 5 इंटू अंडर रूट 2 होगा, 6 इंटू अंडर रूट 2 होगा, यही होगा ना। तो इनके अतिरिक्त पद क्या हो जाएंगे, 5 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा एक, 6 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा, और 7 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा। बस जिस सीरीज में ये बढ़ रहा है वैसे वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ कैसे बढ़ाओगे इस सीरीज को, 3 पद इसमें कहाँ कैसे लिखोगे। देखो ये जो 4 इंटू अंडर रूट 2 है ये वास्तव में है क्या, आपको पता है कि 4 का जब वर्ग करोगे 16 आएगा, और 16 का 2 में गुणा करोगे तो 32 आएगा, हाँ, यानी ये 32 का मान है, हम अंडर रूट 32 को इस रूप में लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 25 का 2 में गुणा करेंगे 50 आएगा, यानी हम कह सकते हैं अगला क्या होगा, अंडर रूट 50 होगा। वैसे इसका क्या करेंगे, 6 का 6 में गुणा करेंगे, यानी 6 का वर्ग 36 होगा, 36 का 2 में गुणा करेंगे 72 होगा, हम कह सकते हैं ये 72 होगा। ये 7 × 7 = 49 होगा, 49 दूना कितना होगा, 98 होगा। ये इसके रियल फॉर्म है अगले 3 पद, ये और ये, क्यों सही है कि नहीं, लिख लो 50, 72 और 98, समझ में आया ना। हाँ लेकिन बनते यहीं से हैं, यही इसके 3 पद हैं जो इसकी जड़ हैं, बाकी वो उसमें से निकले हैं। तो इस तरह से आप कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। इसको लिख लिए हों तो चले आगे बढ़ें। अगले जो इसमें 2 पद हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से देखते चलिए एक एक को, बहुत ही प्यार से देखते चलिए, कोई प्रकार का टेंशन नहीं है, बस आपको समझना है ना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ, जिससे और बेहतर आपको सुनाई पड़े और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 12 के बाद है बच्चा 13 नंबर पार्ट,
13 नंबर है, फिर 14 है, फिर 15 है। हाँ चलो, 13 नंबर का कह रहा है अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 9 है और अंडर रूट 12 है। इसमें आप एक चीज़ देखो, प्रथम पद तो दिया है ठीक है, लेकिन अगर इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओ या इनको तोड़ो मरोड़ो भी, तभी कोई मतलब नहीं होने वाला। हाँ, क्योंकि इनका सर्वांतर बराबर आएगा नहीं, ठीक है। तो प्रथम पद ए बराबर अंडर रूट 3 लिख लो, और अगर सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर तो यहाँ बराबर आएगा ही नहीं, लिख लो चाहे ऐसे लिख लो ऐसे, ये सर्वांतर हो गया पहला। इसमें से इसको घटाओगे या इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, एक को घटेंगे नहीं, वैसे ही है। हाँ, तो सर्वांतर क्या आएगा, बराबर आएगा नहीं, सब अलग अलग आएंगे। नीचे लिखो, चूंकि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, या फिर ऐसे थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा ऐसे लिख लो, चूंकि दी गई श्रेणी के सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। दी गई श्रेणी के सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, हो गया। चलिए, बहुत स्पीड में लिखते चलिए, जितना स्पीड आप बढ़ाएंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए, देश समाज के लिए। हाँ चलिए, 14 नंबर पे आ जाओ, 14 नंबर पे बस नज़रें गड़ा के रखो आप, बिल्कुल भी टेंशन ना लेना एक पैसे का। हाँ हाँ, 14 नंबर पे आ जाओ राजा। ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, कुछ ऐसे आसमानी बन रहा है ये। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 3 जा 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अगर आप इसमें देखो, प्रथम पद तो आपको क्लियर है। हाँ, प्रथम पद क्या है, 1 है। सर्वांतर की बात करो, इसमें से घटाओ 8 आएगा, इसमें से आप घटाओगे 16 आएगा ना, इसमें से घटाओगे क्या आएगा, क्यों भाई 16 आएगा का, मुझे तो लग रहा बराबर आ रहा है का, बराबर कभी नहीं आएगा, घटा के देख लो। ये 24 आएगा, इसको घटाओगे ये 16 आएगा, 8 आएगा, 8 16 24 एक सीरीज बनेगी घटाने के बाद, बराबर नहीं आएगा। नीचे आप लिखोगे सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः ये श्रेणी समांतर नहीं है। ठीक है, सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः ये श्रेणी समांतर नहीं है। घटा के देख लो, सर्वांतर अलग अलग आएंगे या ऐसे ऐसे आएंगे। हाँ, ये सभी सर्वांतर हैं इनके, ये सभी इनके सर्वांतर हैं। ये 24 आया, 16 आया, 8 आया, बराबर नहीं आ रहा है। तो नीचे लिख देना, चूँकि सर्वांतर बराबर नहीं, अतः ये श्रेणी समांतर नहीं है। हो गया, चलो मिटा देते हैं इनको, इनका काम ख़त्म। आप देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको थोड़ा सा इसमें गौर फरमा के रखना है बस। हाँ, टेंशन नहीं लेना, एक भी पैसे का टेंशन नहीं लेना। चलो, ओके है, सब कुछ ओके है, यू डोंट वरी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। चलो तो अगला, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, क्यों भाई वही तो था ना ये। हाँ, और एक 73 था, ऐसे दिया है क्वेश्चन, क्या बड़ा अजीब टाइप का है भाई, बेढंगा टाइप का है, बट ऐसे ही है। ठीक है, इनको देखो, ये 1 बनेगा, ये 25 बनेगा, ये 49 बनेगा, ये 73 बनेगा। इसमें अगर हम सर्वांतर देखें, हाँ, तो ये बराबर होगा, क्यों आप देखो, इसमें प्रथम पद, पहले प्रथम पद, आज भी ये रेडी चल रहा है साला। प्रथम पद क्या है, 1 है, सर्वांतर क्या है, 24 आएगा। आप देखो, इसमें से घटाओगे 24 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तब भी 24 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तब भी 24 ही आएगा। यानी ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी में है तो अगला क्या आता है, इनके 3 और पद लिखने को पूछे जाते हैं, इनके 3 और पद लिखिए।
है ना। तो चलो लिख लो रों का किसने है भाई। इनके तीन और पद कैसे लिखोगे? पहला पद, प्रथम पद, ये 73 पे ख़त्म हो रहा है तो 24 जोड़ लो इसमें। इसी तरह से आपका दूसरा पद, इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा 4 और 3 7, और ये आपका 7 2 9, ये आपका अंतिम तीन पद का पहला पद हो गया। 97 में फिर से 24 जोड़ लो, आपको पता है कि इसमें 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 121। इसका आपका तीसरा पद क्या हो जाएगा भाई? 121 में 24 जोड़ लो, आपको पता है 20 20 40, मतलब 145 हो जाएगा। तो ये आपके जो तीन एक्स्ट्रा पद पूछे गए थे ये हो गए, है ना। लिख लीजिए, इस तरह से आपके सारे पद हो गए और आपका ये एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म हो गया। बहुत ही गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आपका 5.1 ख़त्म हो गया, अच्छी बात है। बहुत जल्दी आपका 5.1 ख़त्म हो करके हम 5.5 नाम का चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे, 6 पे पहुंच जाएंगे, फिर 7 8 9 10 11 बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं। अगर किसी को कोई प्रकार का डाउट है, कोई प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, बताया जाएगा। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, डाउट है, तो आप उसे कमेंट करके पूछिए। अगले सेशन के लिए इंतज़ार करिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।